गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल गुरुजी। और आज फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे आईसी इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में। आपको पता है आईसी इंजन क्या होता है? इंटरनल कम्बस्टन इंजन होता है कि जो कि मोस्टली जो आपके सामने कारें चल रही हैं, मोटरसाइकिल, आपके पास टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, जो भी गाड़ी है, सभी में आईसी इंजन लगी हुई है। उन सभी में एक होता है हमारा इनलेट पोर्ट होता है, एक होता है एग्जॉस्ट पोर्ट होता है। इनलेट के थ्रू क्या होता है कि जो भी फ्यूल एयर का मिक्सचर आता है और एग्जॉस्ट के थ्रू जो भी बर्न, जो कम्बस्टिबल गैस है, वो आउट होता है। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल से आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो हमने एक सिलेंडर बनाया हुआ है। ये सिलेंडर ऐसे बनाया हुआ है। तो टॉपिक है एग्जॉस्ट के बारे में बात करना है। तो गाइस, ये देख सकते हैं इंटरनल कम्बस्टन इंजन का एक स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो ये है, इसे हम स्ट्रोक बोलते हैं, और जो इसके इनर डाया है उसे हम बोर बोलते हैं। ये टॉप डेड सेंटर है, ये बॉटम डेड सेंटर है, ये कनेक्टिंग रॉड है, इसको कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं, इसको हम क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं, और यहाँ पे क्रैंक पिन लगा हुआ रहता है। यहीं से ये इस तरीके से साइकिल चलती है, पिस्टन हमारी टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी। एक्चुअली इसमें चार स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। जब क्या होता है गाइस, आप इंजन स्टार्ट करते हो तो दो स्ट्रोक होता है, सक्शन होता है और कंप्रेशन होता है। सक्शन में क्या होता है कि जो हमारी पिस्टन है इंजन में, वो क्या होती है कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करती है, और इंजन के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, और यहां से अगर पेट्रोल इंजन है तो फ्रेश एयर के साथ क्या होगा, फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर आएगा, फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर आएगा। अगर डीजल इंजन है, ओनली एयर का मिक्सचर आएगा सक्शन में। देन उसके बाद कॉम्प्रेशन होगा, जब पिस्टन जाएगी बीडीसी से टीडीसी। देन नेक्स्ट स्ट्रोक होगा एक्सपेंशन स्ट्रोक, जिसको कि हम लोग पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, उसमें पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आएगी। और जो लास्ट का जो स्ट्रोक है, जब हमारे पिस्टन जो है, सिलेंडर का जो पिस्टन है, वो बीडीसी से टीडीसी जाएगा, तो वो होगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोलते हैं। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जितना भी यहां पे कंबस्टिबल गैस है, पिस्टन के ऊपर जितना भी कंबस्टिबल गैस है, वो गैस इस एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू यहां पे, एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू यहां से एग्जिट होगा। अब क्या होता है, ये तो मैंने एक सिलेंडर बनाया। आप जो मेनली जो कार देखते हैं उसमें क्या मल्टीपल सिलेंडर होते हैं, तीन सिलेंडर होते हैं, चार सिलेंडर होते हैं। तो यहां पे क्या होता है, सबसे पहले एक मैनिफोल्ड होता है, जहां मल्टीपल सिलेंडर एक पाइप में आके कनेक्ट होती है, उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बोलते हैं। इस तरीके से ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है लगा हुआ। तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में एग्जॉस्ट गैसेस आके जमा होती है, और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से फिर एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू गैस आगे रिलीज होती है। तो वही मैं आज एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में बात करने वाला हूं। तो आपको मैं बताता हूं कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जब गैसेस निकलती है, तो उनका प्रोसेस क्या क्या होके वो आगे किस तरीके से रिफाइन होके वो एनवायरमेंट में रिलीज होती है, ये बताने वाला हूं। अब गाइस, गैसेस के बारे में, एग्जॉस्ट सिस्टम जानने के बारे में, जानने से के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्जॉस्ट गैसेस में कौन कौन सी एग्जॉस्ट गैसेज होती है। तो देखिए, मैं बता दू, एग्जॉस्ट में जो गैसेज होती है मेनली ये देखिए, यहां पर मैंने बना रखा है, ये चार एग्जॉस्ट गैसेस होती है यहां पे मेनली। फर्स्ट क्या है, हाइड्रोकार्बन, एचसी हाइड्रोकार्बन। गाइस, जो ये हाइड्रोकार्बन जो बनता है, हाइड्रोकार्बन, ये जब भी फ्यूल का मिक्सचर जाता है, इंजन सिलेंडर के अंदर जाता है, अगर ये कंप्लीट कंबस्शन नहीं होगा तो हाइड्रोकार्बन जनरेट होगा। सेकेंड क्या होगा कि किसी भी फ्यूल में कार्बन का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, अगर वो कार्बन का इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा तो वो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होगा। अगर, क्योंकि क्या होता है कि कंप्लीट कंबस्शन नहीं हो पाता कार्बन का, अगर आप सोचिए यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, अगर इसको एक और ऑक्सीजन मिल जाता तो ये बना लेता CO2, CO2 बन जाता, इट मींस क्या बन जाता, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, लेस हार्मफुल गैस है। तो दूसरा गैस क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तीसरा जो सबसे डेंजरस ह्यूमन बॉडी के लिए, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस नॉक्स होता है, और इन्वायरमेंट के लिए भी होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं।
और चौथा होता है पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर ये होता है कि जो एयर के साथ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो मिट्टी या उस सीमेंट का कण जो भी आ गया, तो वो सब आता है पर्टिकुलेट मैटर में। आप देखते होंगे दिल्ली के अंदर जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो ये पीएम मेजर किया जाता है, पीएम इतना पहुंच गया, पीएम इतना पहुंच गया, तो ये इसी पर्टिकुलेट मैटर को दिखाता है। तो ये गैसेस हैं। तो इसमें से मैंने बता दिया ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है। अब नाइट्रस ऑक्साइड कैसे बनता है ये मैं आपको बता देता हूं। नाइट्रस ऑक्साइड बनने का देखिए क्या होता है कि जब भी इंजन के अंदर एयर आता है, अब मैं बता रहा हूं, जैसे एयर आया, एयर के अंदर क्या है कि बहुत सारी गैसेस हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, मल्टीपल गैसेज है एयर के अंदर। तो क्या होता है कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को अगर हाई टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर जहां पे भी है, सपोज दैट ये इंटरनल कंबस्टन इंजन है, तो जब ये चलती है तो गर्म होता है इंजन के अंदर, जब फायरिंग होता है, आग लगती है जिसमें फ्यूल हमारा जलता है, तो ये यहाँ पे गर्मी पैदा होता है। अगर इसका टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस से एवव जाएगा और वहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो ये दोनों रिएक्ट करके नॉक्स का फॉर्म कर लेता है, नॉक्स। तो ये हार्मफुल गैसेज होती है एग्जॉस्ट में। तो हम गैसेज को प्रॉपर समझ गए हैं। तो गाइज मैंने आपको बता दिया एग्जॉस्ट गैसेज क्या क्या होते हैं, वो आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो गया है। अब वो एग्जॉस्ट गैसेज यहां से आउट होती है और वो इस पाइप के थ्रू ये आती है, सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं कैटेलिटिक कन्वर्टर। ये देखिए हमारा है कैटेलिटिक कन्वर्टर, इसको क्या बोलते हैं, कैटेलिटिक कन्वर्टर। अब कैटेलिटिक कन्वर्टर के अंदर क्या होते हैं कि टोटल दो ब्लॉक होते हैं जिसे हम बोलते हैं सिरामिक ब्लॉक बोलते हैं। यह है सिरामिक ब्लॉक फर्स्ट, यह है सिरामिक ब्लॉक सेकेंड। सिरामिक ब्लॉक फर्स्ट और सिरामिक ब्लॉक सेकेंड में दो दो मटेरियल बेसिकली यूज किए जाते हैं। सिरामिक ब्लॉक फर्स्ट में होते हैं प्लेटिनम एंड रोहोडियम होता है, ये दोनों मिलके एक ब्लॉक फॉर्म करते हैं। सेकेंड ब्लॉक में क्या होता है, प्लेटिनम एंड पैलेडियम होता है जो कि सेकेंड सिरामिक ब्लॉक में फॉर्म करते हैं। अब क्या होता है जब हॉट गैसेस विथ टॉक्सिक, हॉट तो होता ही विथ टॉक्सिक गैसेस एंटर करता है सबसे पहले हमारा कैटेलिटिक कन्वर्टर में। कैटेलिटिक कन्वर्टर में जैसे ही एंट्री करेगा, आपको हमने बताया क्या क्या गैसेस होते हैं, एक तो नॉक्स होता है, कार्बन मोनोक्साइड होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं और पार्टिकुलेट मैटर होता है। तो जैसे ही सारी गैसेज जब एंट्री करती है तो जो प्लेटिनम एंड रोहोडियम का नेचर क्या है, तो जैसे ही गैस होगा ये क्या होगा कि फर्स्ट सिरामिक ब्लॉक हीटअप होना शुरू हो जाता है, गर्म होना शुरू होता है। जैसे ही ये गर्म होना शुरू होगा सबसे पहला जो गैस है वो रिएक्ट करे वो है नॉक्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। जैसे ही ये प्लेटिनम एंड रोहोडियम गर्म होता है ये नॉक्स के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन करता है। जैसे ही नॉक्स क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ मीन्स नॉक्स जो है जब रिएक्ट करता है तो ये टूट जाता है ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन में, फर्स्ट ब्लॉक में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ये टूट जाते हैं, क्योंकि इसमें देखिए नाइट्रोजन का भी मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूल्स है, बट ऑक्सीजन का कम मॉलिक्यूल्स होने की वजह से जब हीटअप होता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन में ये स्प्लिट हो जाता है। तो पहला जो ये होता है वो नॉक्स होता है जो कि फर्स्ट सिरामिक ब्लॉक में। अगेन क्या होता है जब नॉक्स रिफाइन हो गया ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन में, अब जो गैस है फर्स्ट सिरामिक ब्लॉक में रिफाइन होने के बाद नॉक्स जब रिएक्ट कर लिया, उसके बाद जो गैसेज होती है वो सेकेंड सिरामिक ब्लॉक में एंट्री करती है। सेकेंड सिरामिक ब्लॉक में, सेकेंड सिरामिक ब्लॉक में क्या होता है कि जब साइमल्टेनियसली गैस फ्लो किया तो जो कार्बन मोनोक्साइड है, कार्बन मोनोक्साइड क्या करता है, इसमें क्या होता है प्लेटिनम एंड पैलेडियम होता है। तो प्लेटिनम एंड पैलेडियम क्या होता है कि जैसे ही कार्बन मोनोक्साइड एंटर करेगा ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा जो कि लेस हार्मफुल गैस है, कार्बन मोनोक्साइड बन जाएगा। देन उसके बाद हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन साइमल्टेनियसली एंटर करेगा और वो O2 के साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ जो कि H2O मींस वाटर, वाटर में, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में जो कि लेस टॉक्सिक गैस है।
तो इस तरीके से कैटेलिटिक कन्वर्टर काम करता है। और जो देखिए नॉक्स है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन में स्प्लिट हो गया, जो कार्बन मोनोक्साइड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, और जो हाइड्रोकार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड भाप में। तो क्या होता है कि जब आप ठंड के मौसम में देखते होगे, आप गाड़ी जब स्टार्ट करोगे तो पानी साइलेंसर के बाहर से निकलता हुआ दिखाएगा। इट मींस समझ जाइए कि आपका जो कंबस्शन हो रहा है इंजन के अंदर वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो ये था गाइस कैटेलिटिक कन्वर्टर का काम। अब नेक्स्ट क्या होता है कि गैस तो हमारी यहां पे क्या होगी, जो टॉक्सिक गैसेस जो इसके अंदर एंटर हुई है वो टॉक्सिक गैसेस अब क्या होगी, नॉन टॉक्सिक हो गई। जो जहरीली गैसेस थी वो अब क्या हो गई कि कैटेलिटिक कन्वर्टर के अंदर रिफाइन होके वो अब कम जहरीली हो गई। अब वो गैस क्या है, टॉक्सिक नहीं है। अब वो जो कम जहरीली गैस है वो पास होगा, गैस क्या है कि जहरीला कम हो गया, मतलब नुकसानदायक नहीं है, बट उसमें क्या है कि आवाज अभी भी है, नॉइज जो है एग्जॉस्ट में उसमें अभी भी है। उस नॉइज को कैंसिल करने के लिए हमें उस गैस को पास करना होता है मफलर के द्वारा। गाइस ये देख सकते हैं मफलर है, तो मफलर के द्वारा हम इस गैस को पास करते हैं और इसमें हम उसके नॉइज को कैंसिल करते हैं। अब ये नॉइज को हम कैसे कैंसिल करते हैं ये अब हम बताते हैं आपको इस डिटेल वीडियो में। गाइस अब हम बात करते हैं मफलर के बारे में। मफलर थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम लग रहा है तो हमने इसको बहुत बड़ा साइज बना दिया है। ये देखिए मफलर, ये जो पूरा है मफलर है। मफलर क्या होता है कि मफलर के अंदर जो होता है डिफरेंट साइज का चेंबर बना हुआ रहता है। इसमें टोटल 3 चेंबर बने हुए रहते हैं जो आप देख सकते हैं। ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्सपेंशन चेंबर, तो जो यहां से लेके यहां तक बना हुआ ये फर्स्ट एक्सपेंशन चेंबर है। सेकेंड चेंबर ये है, इसको हम बोलते हैं सेकेंड चेंबर। और थर्ड चेंबर यहां से यहां पे है जिसमें हमें हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर मिलता है। ये 3 चेंबर कंजिस्ट होते हैं मफलर के अंदर। ये तीनों चेंबर हेल्प करते हैं नॉइज को कैंसिल करने के लिए, जो कि आप देखते हैं कि एग्जॉस्ट जब इंजन स्टार्ट होता है तो कितना ज्यादा नॉइज होता है, और वो जब एंड में निकलता है तो बिल्कुल आपको कई बार तो बहुत से कारों में ऐसा है कि आपको साउंड पता भी नहीं चलता है। तो अब मैं बताने वाला हूं इस फंक्शन में कि ये कैसे नॉइज को कैंसिल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो टॉक्सिक गैसेस जो था वो रिफाइन होने के बाद लेकिन उसमें आवाज अभी भी है, साउंड है, तो साउंड वेव्स अलोंग विथ एग्जॉस्ट गैसेस सबसे पहले पास करता है ये फर्स्ट एक्सपेंशन चेंबर में। नाम से ही समझ रहे हो, फर्स्ट एक्सपेंशन चेंबर में। जैसे ही इस होल्स के थ्रू गैसेस प्रवेश करती है तो फर्स्ट चेंबर में ये देख सकते हैं पहला जो चेंबर है इसमें ड्रिल होल्स किए हुए रहते हैं। एक चेंबर में चेंबर का एक ब्लॉक है, इसके थ्रू गैस गुजारा जाता है जो ड्रिल होल्स दिया हुआ। तो जब गैसेज इसके थ्रू पास करती है तो गैसेज क्या होती है, इसके थ्रू पास की कुछ गैस इधर से निकली, कुछ गैस इधर को निकली, कुछ गैस इधर, तो इसमें से क्या होगा कि गैस के जो वेव्स है ना, जो एग्जॉस्ट गैस के वेव्स है वो सर्कुलेट होने लगते हैं। सर्कुलेट होने के बाद क्या होता है कि वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड करने लगते हैं, और कोलाइड करने के बाद क्या होता है फ्रिक्शन जनरेट होता है, और फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से जो साउंड होता है वो कैंसल हो जाता है, साउंड वेव्स कैंसल हो जाते हैं। अब मैं आपको नाउ गाइस, जब वो इसमें कैंसल हो जाने के बाद अब क्या होता है कि गैसेस बिल्कुल हाई इंटेंसिटी के साथ वो सेकेंड चेंबर में प्रवेश करती है। जो सेकेंड चेंबर बना हुआ है इस सेकेंड चेंबर में प्रवेश करती है। जब ये गैसेस सेकेंड चेंबर में प्रवेश करती है तो क्या रहती है, गैस की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है, साउंड कम होता है बट इंटेंसिटी ज्यादा रहती है। तो हाई इंटेंसिटी गैसेस क्या होती है, ये जो वॉल बना हुआ है ना सेकेंड चेंबर में, ये जो वॉल बना हुआ है इस वॉल के साथ कोलाइड होता है। तो जब इस वॉल के साथ कोलाइड होगा तो कोलाइड होने के बाद क्या होता है, फिर फ्रिक्शन जनरेट होता है और अल्टीमेटली साउंड वेव्स और रिड्यूस हो जाते हैं, साउंड और कम हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अब गैसेस क्या होती है उसके बाद, थर्ड जो हमारा थर्ड चेंबर बना हुआ है, थर्ड चेंबर में एक होता है हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर होता है। तो गैसेस क्या होती है, हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर से पास करती है इसका जो जब ये हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर में जब ये गैसेस पास करती है तो यहां से गैसेस पास करने के बाद क्या रहती है कि गैसेस पास की और ये वॉल में टकरा के अपोजिट रिटर्न होता है।
जो अपोजिट रिटर्न होता है उसकी वजह से क्या होता है कि फ्रिक्शन जनरेट होता है और नॉइज कैंसिल हो जाता है और अल्टीमेटली जब गैसेज यहाँ से आउट होती है, यहाँ से गैसेज आउट मिलती है तो हमें क्या होता है कि बिल्कुल लेस नॉइज एग्जॉस्ट गैसेज मिलती है, जो कि हमें कार के टेल पाइप में और इसके बाद यहाँ पे टेल पाइप लगा हुआ रहता है, जो मैंने यहाँ पे भी बताया ये टेल पाइप है, फिर टेल पाइप के थ्रू गैसेज निकल जाती है। तो ये एक बेसिकली एग्जॉस्ट सिस्टम का प्रोसेस था, गैसेज क्या होती है, कैसे टॉक्सिक गैसेस को रिफाइन किया जाता है, उसको लेस टॉक्सिक बनाया जाता है, साउंड वेव्स को कैसे कैंसिल किया जाता है मफलर में, ये सारी चीजों को मैंने बताया आपको इस वीडियो में। और दो चीजें और रह गई, इसमें सेंसर्स भी लगे होते हैं, कई गाड़ियों में आपको ऑक्सीजन सेंसर्स मिलेंगे, कुछ गाड़ियों में आपको जैसे यहाँ पे क्या टेम्परेचर सेंसर है, ये रीडिंग करता है कि एग्जॉस्ट में क्या टेम्परेचर है एग्जॉस्ट गैसेस का और नॉक्स की क्या क्वांटिटी है। आप जो BS6 वाली जितनी भी गाड़ियां आती है, हाई HP की गाड़ी आती है, उसमें नॉक्स सेंसर भी लगा हुआ रहता है। ये नॉक्स सेंसर और टेम्परेचर सेंसर दोनों इन्फॉर्म करता है ECU को। ECU आप जानते हैं इंजन कंट्रोल यूनिट है, इसे ये इन्फॉर्म करती है अगर ये इमिशन नॉर्म के नॉर्मल लिमिट से अगर एवर होगा तो गाड़ी को लिम्प होम मोड में ले जाएगा, जिसमें गाड़ी में आपको MIL लाइट जिसको बोलते हैं, MIL लाइट जल जाएगा और गाड़ी आपकी लिम्प होम मोड में चली जाएगी, उसका स्पीड और परफॉर्मेंस फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाएगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई राय देना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में या कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।